गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, वर्क होम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। वर होम मतलब ये वर्जिन होम्योपैथी का शॉर्ट नेम है, वर्जिन होम्योपैथी और डॉक्टर हैनीमैन्स ओरिजिनल मेथड। वर्जिन मीन्स सिंपली अनटच्ड, नॉट डिस्पॉइल्ड सिस्टम। डॉक्टर हैनीमैन का जो सिस्टम है, जो 200 साल से फुल्ली फ्लरिश नहीं हो पाया, किताबों में जैसा का वैसा ही पढ़ा है, जो वो कहना चाहते थे, जो वो बोलना चाहते थे, वो सब लिखे गए पर लोगों ने एक दूसरी ही राह पकड़ ली, इसलिए हम इसे वर्जिन कह रहे हैं। वर्जिन मतलब अभी तक वो अनटस्ट है, अभी तक उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। वर्जिन मीन्स ओरिजिनल, जैसा था वैसा ही। ना इसमें हमने कोई एडिंग की है, ना इसमें कोई डिलीटिंग की है, जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश की है। तो वर होम इज प्रेजेंटेड बाय सैमुअल हैनीमैन्स होम्योसाइंस प्राइवेट लिमिटेड। वर होम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्जिन होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर हैनीमैन सर के ओरिजिनल मेथड को प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के डॉक्टर्स पे, क्योंकि इन्हें फुल्ली ट्रेंड किया गया है पहले और फिर इनको इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई है। ये इस सिस्टम को जानते हैं, ये डॉक्टर हैनीमैन की थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उसके लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड उसे अपने पेशेंट्स में, अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। उन्हीं डॉक्टर्स को यहाँ पे जगह दी गई है। यानी वर्जिन होम्योपैथी का प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं ज्वाइन कर सकता। इसके लिए वर्जिन होम्योपैथी का जो साइंटिफिक कोचिंग कोर्स है, वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग प्रोग्राम, वो उसकी पहली शर्त है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। यानी डॉक्टर हैनीमैन को समझने वाला व्यक्ति, डॉक्टर जो उन्हें समझता हो, उनकी थॉट प्रोसेस को समझता हो, उनकी साइंस को समझता हो, उनकी साइंस को किस तरीके से करना है यानी उस आर्ट को समझता हो, वही व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमें उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पेशेंट्स, जो एक समस्या है एक अच्छे डॉक्टर्स की ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, इवन इन पुणे, कि अच्छे डॉक्टर्स मिलते कहाँ हैं, कैसे डिसाइड करें कि वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो वो अच्छे डॉक्टर्स डॉक्टर हैनीमैन सर के टर्म्स में, जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, जिन्होंने इस साइंस को खोजा, इसके बाद वेरीफाइड किया एक्सपेरिमेंट कर करके, एंड 48 ईयर की लाइफ में उन्होंने उसे सिर्फ वेरीफाइड नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस्टेब्लिश किया ऑलमोस्ट परफेक्ट साइंस के रूप में, जो 200 साल से अभी तक एज इट इज लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ साइंस वो छोड़ के गए, वो क्वालिटी ऑफ साइंस अभी तक हमारे डॉक्टर्स ने नहीं समझ पाए। उन्होंने अभी तक डोज नहीं समझ पाया, उन्होंने अभी तक पोटेंसी नहीं समझ पाई, अभी तक उन्होंने उसको म्याजम नहीं समझ पाया, अभी तक उन्होंने सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस नहीं समझ पाया। हमारा होम्योपैथिक वर्ल्ड जिस ओरिजिनलिटी, जिस एविडेंस के साथ स्टैब्लिश हुआ था, वो उस रास्ते से पूरी तरीके से भटक गया है।
अभी जो साइंस ऑफ होम्योपैथी चल रही है उसे साइंस वर्ड हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग अपने नाम पे अपने बड़े बड़े नाम स्टालवर्ट्स बन के बैठे हैं, बट उनको डॉक्टर हैनीमैन के लिटरेचर सर से करते हैं, जब हम मैच करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म जो है होम्योपैथी के लिए उन डॉक्टर्स के लिए है जो ट्रू साइंस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने पेशेंट्स को रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर की जो कंसेप्ट डॉक्टर हैनीमैन सर छोड़ के गए उसमें लेकर के उन्हें उनकी तकलीफों को कम करना चाहते हैं। वर्क होम में आपको दो चीजें हैं, एक तो पीएमएस है, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दूसरा हैनीमैनियन रिपर्टरीज। हैनीमैनियन रिपर्टरीज इसलिए कह रहा हूं कि हैनीमैन सर के बाद जो डॉक्टर्स ने प्रूविंग की अपने ऊपर, कुछ नई ड्रग्स ऐड की प्रूविंग के बाद, उन ड्रग्स को जो रियल प्रूविंग है, जिन पे रिलायबिलिटी है, उन पे आधार पर ये रिपर्टरी हैनीमैन सर रिपर्टरी एंड हैनीमैनियन रिपर्टरी बोथ हम यहाँ पे आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने पेशेंट के लिए सुटेबल से मिनिमम स्टेट से मिनिमम खोज सके। तो इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वर्क होम की, इसमें ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसमें एक क्लिनिक एंड एक डॉक्टर्स के लिए ये इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें होम्योपैथी जगत, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरीके से चल रहे हैं जो पेशेंट के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, बट सभी के सभी सॉफ्टवेयर जो हैं एक मेडिकल वर्ल्ड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। खास तौर पे जिनका दबदबा है, मींस एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ज्यादा अहमियत दी गई है। किसी ने भी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे डॉक्टर हैनीमैन जिस तरीके का सिस्टम चाहते थे हमारे आने वाली जनरेशन से, उस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इस तरीके का पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बट इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट प्योर हैनीमैनियन होम्योपैथ की या ओरिजिनल मेथड जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको समझ करके बनाया गया हो। तो इसमें मैसेज नोटिफिकेशन पेशेंट्स को है, जो भी आप थ्रू ईमेल एंड एसएमएस, और आगे चल करके ये जल्दी ही इससे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के साथ भी जुड़ जाएगा। इसमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन डॉक्टर्स एंड पेशेंट दोनों के लिए है। इस ऑनलाइन पीएमएस में सबसे पहले जो डॉक्टर हनीमैन की जो थॉट प्रोसेस थी, उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग केस टेकिंग एनेबल सिस्टम बनाया गया है कि आप किस तरीके से केस टेकिंग करेंगे। वैसे तो मैं हमेशा सेमिनार्स में या सब जगह कहता हूँ, जो वर्जिन होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, जो वर्जिन होम्योपैथी कोचिंग किए हैं या कभी सेमिनार्स किए हैं, वो जानते हैं कि केस टेकिंग डॉक्टर हैनीमैन क्या चाहते थे। जो उन्होंने लिखा था, जो हमसे वो चाहते थे, उससे हम काफी दूर चले गए। हमने बहुत एग्जॉस्टिव केस टेकिंग तो बना ली और हम पेशेंट से बहुत सारी बातें निकाल के ले भी आते हैं, बट उन बातों से कभी तो हमें हमारी मेडिसिन तीर की तरह लगती है और कभी कभी हमारी मेडिसिन इतनी मेहनत के बाद भी नहीं लगती है। बट डॉक्टर हैनीमैन सर के सिस्टम में हम जाते हैं तो वो बहुत सिंपल है। आपका दिमाग ब्लैंक होना चाहिए, आपका पेज भी ब्लैंक होना चाहिए। पेशेंट आपको अपनी दुख और तकलीफें ही सुनाने आया है पैसे दे करके, उसे कुछ पड़ी नहीं है कि वो अपने बारे में कुछ छुपाए। वो अपनी डिजीज की, अपनी सफरिंग की पूरी हिस्ट्री, पूरी तकलीफ आपसे बयां करना चाहता है।
सिर्फ आपको अपनी इतनी कैपेबिलिटी का रखना है ध्यान में कि आपसे कोई चीज छूट ना जाए, और जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में है। इंफॉर्मेशन वो सारी देता है बट वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, उनको सिर्फ कंप्लीट करना है, उसकी कोई हायरार्की डेवलप नहीं करनी है। एक एक सिम्टम्स को सिर्फ कंप्लीट करना है और कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्चुअल केस टेकिंग का की समझ आपको पैदा करेगा इसमें, किस तरीके से एक पेशेंट का एक सिम्टम लें और उसको कंप्लीट करें। हमें कोई भी हैरर का इसलिए नहीं बनानी है कि पेशेंट की ट्रबलसम कंप्लेंट पेशेंट ही जानता है कि उसकी ट्रबलसम कंप्लेंट कौन सी है। और डॉक्टर हैनीमैन भी यही कहते थे कि मोर ट्रबलसम जो है आज की डेट में प्रेजेंट स्टेटिंग स्टेट जो है उस पर फोकस करके आप मेडिकेशंस करिए, जो जो आता जाएगा वैसे वैसे हटाते जाइए। तो केस टेकिंग है, होम्योपैथिक डायग्नोसिस है। होम्योपैथिक डायग्नोसिस मतलब है कि जब आपने एक केस ले लिया तो केस लेने के बाद कुछ ऐसी बातें हमें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इसमें इस केस में ये चीज हिट करनी है। होम्योपैथिक डायग्नोसिस एलोपैथिक पॉइंट की तरह नहीं होती, एकदम अलग है होम्योपैथिक डायग्नोसिस। डॉक्टर हैनीमैन जो चाहते थे होम्योपैथिक डायग्नोसिस में वो कैसे करनी है वो हमें समझना है यहाँ पे, और यहाँ ये बखूबी आपको मदद मिलेगी कि किस तरीके से होम्योपैथिक डायग्नोसिस करनी है। एंड सिंथेसिस ऑफ द केस, हमने यहाँ पे एनालिसिस नहीं वर्ड यूज किया है, और डॉक्टर हैनीमैन भी एनालिसिस नहीं चाहते थे। सिंथेसिस मतलब होता है कि किसी केस को जब हम सुन लेते हैं तो एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है, वो बहुत सारी इवेंट्स घटनाएं दुर्घटनाएं जो उसके साथ घटी हैं और जिनकी वजह से वो बीमार है, उन दुर्घटनाओं घटनाओं की वजह से वो बीमार है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है, उस सफरिंग को के हिसाब से वो अपनी तकलीफ बताता है। और जब वो अपनी तकलीफ कंप्लीट कर लेता है तो वो कंटेंट जो है, जो कंटेंट वो हमें देता है स्कैटर्ड फॉर्म में, फिर हम उसे जब कनेक्ट कर लेते हैं, उस कंटेंट को आपस में जोड़ लेते हैं, तो हम कहते हैं कि दे अब ये स्टोरी फॉर्म हो गई, यानी उस व्यक्ति की डिजीज स्टेट हमें मिल गई, और वो डिजीज स्टेट को ही हम कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ द केस। सिंथेसिस ऑफ द केस, केस टेकिंग में हमें कंटेंट मिला था। केस टेकिंग मतलब है सिर्फ स्कैन करना, जो पेशेंट हमें लेके आया है उसको एज इट स्कैन करना। स्कैन मतलब करना है, मतलब है कि आपको एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर की भूमिका निभानी है, और वो ऑनेस्ट इंस्पेक्टर की भूमिका में आपको चीजें स्कैन करनी आनी चाहिए। होम्योपैथी डायग्नोसिस हमें ये बताती है स्कैनिंग के बाद कि हमें कहाँ हिट करना है। होम्योपैथी डायग्नोसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द केस को जब हम कंप्लीट करते हैं कि हमें कौन सी कॉज हैं जिनको रिमूव करना है, और कौन से मैनिफेस्टेशन है जिन्हें हटाना है, जिनकी वजह से ये व्यक्ति बीमार है, यानी कौन से म्याजमेटिक फंडामेंटल सिम्टम्स हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें इस केस पे हिट करना है। तो ये सब कुछ आपको एक ही विंडो, एक ही उस पे आपको आसानी से करने को आएगा। ये इसकी बेसिक फीचर्स हैं। अब अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है डॉक्टर हैनीमैन रिपर्टरी, जो टीसीडी प्लस एमएमपी द क्रॉनिक डिजीज एंड मटर मेडिका प्योरा से बनी हुई है। टीसीडी ही में जो लोगों थ्योरी वर्ड यूज करते हैं ये टोटली रॉन्ग है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने कभी भी टीसीडी के लिए थ्योरी वर्ड यूज नहीं किया है। द क्रॉनिक डिजीज कहा है उसको
अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है और समझा है, बहुत सारे लोगों ने समझा भी है और बहुत सारे लोग अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट फुल्ली डॉक्टर हैनीमैन को समझना, टीसीडी को, और उसको अप्लाई करना, ये एक अभी भी लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। प्रवर्जन होम्योपैथी ने ये काम बखूबी किया है। हम 1.5 साल से लगभग, मतलब हम कर तो 2014 से रहे हैं ये, पर 1.5 साल से लगभग हम लोगों के बीच में ये ट्रेनिंग एंड टीचिंग कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है डॉक्टर हैनीमैन की क्रोनिक डिजीज को अप्लाई करना, एज इट इज अप्लाई करना पॉसिबल है। एमएमपी में जो कुछ भी डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है उन सिम्टम्स को समझ करके अप्लाई करना बहुत आसान है। जिसे कठिन बना दिया गया इस वर्क होम प्लेटफॉर्म पे, इस वर्क होम सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। इस रिपर्टरी को हमने कुछ सेक्शन किए हैं, क्योंकि एमएमपी एंड टीसीडी विदाउट सेक्शन है, उन्होंने पांच पांच नंबरिंग से सिम्टम्स लिखे हैं, बट ये जो है सारे के सारे जो है हमने इनको सेक्शन में बांट दिया है। लगभग 23 सेक्शंस इसके किए गए हैं, जैसे हेड एंड वर्टिगो, माइंड एंड डिस्पोजिशंस, इस तरीके से लेकर के लास्ट तक सारे सेक्शन थर्मोरेगुलेटरी तक हमने इसको बांटा है, ईच एंड एवरी रेमेडी को। इसमें जितने भी सेक्शंस हैं उसमें जितने भी ऑर्गन्स के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं, यानी डॉक्टर हैनीमैन सर जो वर्ड यूज करते थे वो, और आज की डेट में जो वर्ड यूज होते हैं, है ना, वो सारे वर्ड्स कि आने वाले समय में आपको लिस्ट मिलने वाली है कि डॉक्टर हैनीमैन सर कौन से ऑर्गन्स को कौन से वर्ड की तरह यूज करते थे। आज की डेट में बहुत कुछ हम उन ऑर्गन्स के नाम थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें उस लिटरेचर में जाने में डिफिकल्टी होती है, तो हम उस जब हमें वो सिमिलर ऑर्गन वर्ड्स मिल जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से उसमें हम सर्च कर सकते हैं। एंड पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस और कह सकते हैं कि सेंसेशन, कि जो ऑर्गन है जिस लोकेशन पे जो ऑर्गन है वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी वहां पे देखने को मिल रही है, वहां पे एग्जैक्ट दुर्घटना क्या घट रही है, उस पैथोजेनेसिस और सेंसेशन यानी स्टेट सिम्टम्स एग्जैक्टली, यानी उन स्टेट सिम्टम्स जैसे इच है, परस्पायरेशन ऑन स्कैल्प है, स्कैल्प लोकेशन हो गया, ऑर्गन हो गया, इसी तरीके से पीवीसनेस है, इसी तरीके से एंगर है, इसी तरीके से पेन्स हैं। 213 लगभग 213 तरीके के डॉक्टर एनिमेन ने पेन यूज किए हैं। तो इस तरीके से सारी पैथोजेनेसिस के जो कीवर्ड्स हैं और उनके मीनिंग या उनसे मिलते जुलते जो हम यूज करते हैं, और डॉक्टर हैनीमैन ने किस तरीके के वो वर्ड्स यूज किए हैं, उसमें हम आगे आने वाले समय में उसकी सिमिलैरिटी आपको आसानी से एक टूल टिप के रूप में मौजूद मिलेगी आपके इस सॉफ्टवेयर में। उन कीवर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है एंड उनके कोई अगर इमेज पॉसिबल है तो वो इमेज भी उपलब्ध कराई जा रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स जो डॉक्टर हैनीमैन ने उन्हें कहाँ यूज किया है उनके एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें आपको देखने को मिलेगा। एंड जो मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर हैनीमैन ने दो तरीके से सिम्टम लिखे, प्रत्येक सिम्टम्स को एक वेट दिया गया है, बट जो सिम्टम्स को बोल्ड किया है, जहां पे डॉक्टर हैनीमैन किसी सिम्टम्स को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, बोल्ड करके लिख रहे हैं, उसको हमने उसका वेट 2 दिया है। मीन्स यहाँ पे लॉजिक लॉजिकल साइंटिफिक होने की कोशिश की गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ये सारी की सारी जो नॉन वेनेरियल डिजीजेज हैं
बिहेवियरल डिजीजेस को छोड़ के, साइकोसिस एंड सिविलिस को छोड़ करके, वो सब की सब जनरेटेड फ्रॉम सोरा है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सोरा को मिसअंडरस्टूड किया गया, जिसकी वजह से हम समझते नहीं। डॉक्टर हनीमैन सोरा को पहले तो क्रॉनिक डिजीज को दो पार्ट में बांटते हैं, एक वेनेरियल डिजीज, एक नॉन वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज में साइकोसिस एंड सिफिलिस, जब वो म्याजम द क्रॉनिक डिजीज लिख रहे होते तो उन्होंने बोला था कि वो ऑलरेडी वेनेरियल डिजीज का ट्रीटमेंट, डेफिनेट रेडिकल ट्रीटमेंट खोज चुके हैं। सिफिलिस के लिए वो मरकरी खोज चुके थे एंड साइकोसिस के लिए सुजा एंड अल्टरनेटिंग नाइट्रिक एसिड खोज चुके थे। यानी इतनी लिमिटेड मेडिसिन से वो पूरा का पूरा ये सिस्टम खत्म कर सकते थे, खासतौर पर वेनेरियल डिजीज के लिए। बट जो बोल रहे थे कि जो रिकरेंस थी उनकी, जो प्रैक्टिस में जब एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देते दे थे और ट्रीटमेंट देने के बाद वो पेशेंट जो है फिर से बीमार होकर आ रहा था, तो उन्हें ये समझ नहीं रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो वो 1816 की जो घटना है उस घटना को वो ऑब्जर्व किए। 1816 में जो वूलन वर्कर जो इच डिजीज हुई और उसके बाद उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको, उसे ट्रीट करने की कोशिश की, किसी फिजिशियन के पास, कोई बाहर के ऑइंटमेंट के साथ, और उसके बाद कोई, किसी को एपोप्लेक्सी हो गई, किसी को लंग्स प्लूरिसी हो गई, किसी को लंग्स कंसोलिडेशन हो गया, कहीं किसी को लंग्स में पस बन गए, किसी को बुखार आ गया, किसी को स्टरिलिटी हो गई, ऐसे बहुत सारे, और कोई डायरेक्ट मर भी गया। तो डॉक्टर एनिमिन कह रहे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी दुर्घटना, एक सिंपल सी डिजीज को मिस हैंडल करने पे, सप्रेस करने पे ये सब हो सकता है, इन्यूमरेबल डिजीज पैदा हो सकती है। उस घटना को उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि मेरे अलावा पहले कोई तो होंगे जिन्होंने इस सिस्टम को, इस दुर्घटना को, इस तरीके की दुर्घटनाओं को देखा होगा और कुछ तो लिखा होगा। और फिर उन्होंने 12 साल तक उसको, वो सारी की सारी जो उन जैसा ऑब्जर्वेशन किन किन ने किए हैं वो ढूंढ निकाले और लगभग 97 ऑब्जर्वेशन उन्होंने कलमबद्ध कर दिए अपनी द क्रॉनिक डिजीज बुक में, कि ये मैं अकेला नहीं हूं इस दुर्घटना को देखने वाला, इससे पहले भी बहुत ऑनेस्ट फिजिशियन हो चुके हैं मेरे जैसे और जिन्होंने ये काम किया है। तो डॉक्टर हनीमैन ने जब ये चीजें इच को जब सप्रेस होते हुए देख रहे थे, तो सप्रेशन के बाद जो जो सिम्टम्स आए और जो व्यक्तियों में एग्जिस्ट कर रहे थे वो सिम्टम्स सप्रेशन के बाद, हिस्ट्री की, सप्रेशन की हिस्ट्री जो स्किन डिजीज की मिल रही थी, तो उन्होंने पहला तो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो, जिसको प्रिमिटिव इच कहा, और उस प्रिमिटिव इच का पूरा खाका खींचा कि प्रिमिटिव इच अगर आपको देखने को मिल जाए, जो स्टार्ट है सोरा का एक्सटर्नल लेवल पे, कि जो इन्फेक्टिंग एजेंट बॉडी में जाता है सोरा, तो उसके बाद जो बाहरी मैनिफेस्टेशन आते हैं एक्सटर्नल लेवल पे, उन मैनिफेस्टेशन को, जो शुरुआती मैनिफेस्टेशन को उन्होंने बोला कि ये प्रिमिटिव इच है। और इस प्रिमिटिव इच के लिए पूरा एक, हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि एक पूरा खाका खींचा कि ये अगर इस तरीके के इरप्शन हैं तो इसके लिए उन्होंने डेफिनेट रेमेडीज बताई कि इसको हम उसी समय पूरी तरीके से इंटरनली देकर के बहुत कम समय में रेडिकल क्योर कर सकते हैं। बट उन्होंने कहा कि अगर ये मिसहैंडल की जाए या इसका कोई इंटरनल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये बड़ी खतरनाक है। फिर ये जाकर के, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कितना भी रोबस्ट आप हो, बट अगर ये एक बार सोरिक डिजीज आ गई, सोरिक इस डिजीज आपके अंदर आ गई और उसको आपने प्रिमिटिव मैनिफेस्टेशन के समय ही प्रॉपरली इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, तो डेफिनेटली वो आगे जाकर के बड़ी होगी और एक इन्यूमरेबल डिजीज की तरफ आप चले जाएंगे। बट जब प्रिमिटिव इच आती है, सप्रेस हो जाती है या ऑटो रेमिशन में चली जाती है, तब इसके बाद हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसको सोरिक डिजीज हुई थी। एक व्यक्ति डायबिटीज के साथ आता है, अलग अलग डायग्नोसिस के साथ आता है, हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसको ये म्याजम है। तो डॉक्टर हनीमैन सर ने उसके लिए दो कैटेगरीज की, एक लेटेंट सोरा, उन्होंने कहा कि कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो पेशेंट कैरी करता है,
वो पेशेंट का जब सोरा बस्ट होता है, यानी जब मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक होते हैं, तो वो कोई भी एलोपैथिक या अदर कोई भी ट्रीटमेंट लेकर के उनको थोड़ा शांत कर लेता है, बट ये जो लेटेंट सोरा के सिम्टम है उसके साथ हमेशा एग्जिस्ट करते रहते हैं। इनकी एक लिस्ट बनाई डॉक्टर हैनीमैन ने, और उन्होंने कहा कि अगर ये मिलते हैं तो डेफिनेटली ये बड़े खतरनाक हैं और ये कभी भी इस व्यक्ति को बड़े डिजीज की तरफ ट्रैप करेंगे। तो इन सिम्टम्स को ट्रीट करना है, इन सिम्टम्स को खत्म करना है, लेटेंट सोरा के सिम्टम्स को। और इसके लिए उन्होंने उन सिम्टम्स को जो प्रिमिटिव एज को सप्रेस होने के बाद जो देखा था उन्होंने, और जो मैनिफेस्टेशंस उन्होंने देखे थे, तो जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे, जो जिन सिम्टम्स के साथ पेशेंट एडजस्ट कर लेता था, वो बहुत ज्यादा बस्टिंग स्टेट में नहीं थे, उन कभी कभी दिखते थे ऑन एंड ऑफ, या कभी कभी कंटिन्यूअसली भी दिखते थे, तो बट वो इतने ट्रबलसम नहीं होते थे, और उस उन सिम्टम्स को वो अपने साथ कैरी करता रहता था। वो उनकी लिस्ट डॉक्टर हैनीमैन ने बनाई, उनका इन सिम्टम्स को कैरी करना, ये बता रहा है कि अगर ये सिम्टम्स अगर नहीं खत्म किए गए तो डेफिनेटली आगे चल के ये व्यक्ति बड़ी बीमारी की तरफ जाएगा। बट ना तो आम आदमी ये बात को समझता है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको लेकर के डॉक्टर्स चिंतित हैं। अगर उसे बता भी दिया जाए कि ये सिम्टम्स खत्म करने बहुत जरूरी, तो भी वो उसको बहुत लाइटली लेता है। तो एक ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो परमानेंट क्योर की जो कंसेप्ट है, वो सोरा को फुल्ली एक्सटिंग्यूश किए, इवन इंटरनल सोरा को और लेटेंट सोरा के सारे सिम्टम्स को जब तक फुल्ली एक्सटिंग्यूश नहीं करते, तब तक उस व्यक्ति को परमानेंट क्योर जो सेकेंड एफोरिज्म है उसको आप अचीव नहीं कर सकते। और सेकेंड एफोरिज्म को अचीव करने के लिए म्याजम समझना और सोरा समझना बहुत जरूरी है। एंड बचे हुए जो सिम्टम्स हैं, जो लगभग 433 के आसपास के सिम्टम हैं, लगभग 60 सिम्टम लेटेंट सोरा के हैं और 433 सिम्टम जो है इंटरनल सोरा के हैं, उन्होंने कहा कि ये सिम्टम बहुत खतरनाक है, इन्हें भी एक्सटिंग्यूश करना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है इस व्यक्ति को सोरिक डिजीज हो चुकी है। पर लोगों ने सिर्फ इच डिजीज ही इतनी ही को सोरा कहा है, कुछ लोग इन्फ्लेमेशन को सोरा कह रहे हैं, कैंसर को कहीं और रख रहे हैं, ऐसी बड़ी ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स करके रखी हैं जिसकी वजह से हमारे होमपैथ भटके हुए हैं। तो उन्हें क्या करना है? तो ये जो टूल है लेटेंट सोरा एंड इंटरन, जब पेशेंट्स सिम्टम्स लेके आते हैं, तो वो 493 सिम्टम्स का एक टूल डेवलप किया गया है। आप उन सिम्टम्स को ध्यान में रख करके जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री में देता है, तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ये इंटरनल सोरा के या लेटेंट सोरा के सिम्टम तो नहीं है जिन्हें जिनके लिए मुझे एंटीसोरिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति को सोरिक डिजीज है, और ये कैसे पता करनी है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट से आप पता कर सकते हो। तो हर मेडिसिन में जितने भी सिम्टम्स हैं, हर सिम्टम्स में ये चीज देखी गई है कि उसमें कोई लेटेंट सोरा का सिम्टम तो नहीं है वो, और या इंटरनल सोरा का सिम्टम तो नहीं है। अगर है एनीमेन सर के सिम्टम के साथ अगर वो मैच करता है, तो ये लिखा गया है कि वो फुल्ली मैच करता है या हाफ मैच करता है, और उसका एग्जैक्ट नंबर यानी कौन से नंबर का जो सिम्टम है उसकी नंबरिंग की गई है, कौन से नंबर का सिम्टम्स है वो मैच करता है। तो इसमें जब आप पेशेंट्स को कोई सिम्टम खोजेंगे, तो खोजते ही पता चलता है कि एकोनाइट का ये नंबर का सिम्टम है, तो ये पता चलेगा कि ये जो नंबर का सिम्टम है क्या ये सोरिक है या नहीं। अगर है तो कौन से सिम्टम नंबर से ये मैच करता है, तो ये वहां का वहीं ये टूल टिप में आपको मिल जाएगा देखने को, और आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ऐसा सिम्टम है जैसे मुझे जिसके लिए मुझे मेडिसिन खोजनी है। तो जैसे एकोनाइट का मैंने नाम लिया, तो इसमें बहुत बार आपको देखने को मिलेगा एकोनाइट जैसी मेडिसिन जो है इन सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर नहीं करती, सोरा एंड लेटेंट सोरा को। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने एकोनाइट को द क्रॉनिक डिजीज में जगह नहीं दी। बहुत कम मेडिसिन हैं जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं सोरा और लेटेंट सोरा के कवर करती हैं। जब हम इन्हें खोज रहे थे, तब तो हमें पता चला कि डॉक्टर हैनीमैन के पास उस समय कंप्यूटर नहीं था, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी उन्हें हम जब कोई एक सोरिक सिम्टम डालते हैं और फिर हम सारी रेमेडीज में देखते हैं कि कौन सा सिम्टम है जो अलग अलग रेमेडी में ये मैच करता है, तो हम देखते हैं बहुत कम रेमेडीज हैं जो
हैप्सोरिक मेडिसिन हैं जो मैथमेटिका फ्यूरा में जो हैं, बट उन्हें द करंट डिजीज में रिपीट नहीं किया गया, वो मिलते नहीं है। एक दो या मिलेंगे भी तो आधे अधूरे मैच करते हैं, फुल्ली मैच नहीं करते हैं। तो ये एक खास बात थी जो डॉक्टर हैनिमन सर ने, इसलिए 48 रेमेडीज एंटीसोरिक कही, और वो एंटीसोरिक रेमेडीज का समझ पैदा करना, उसको कैसे यूज करना, ये भी एक पूरा सिस्टम है, इसको हमें समझना है। तो इसमें आपको अपने पेशेंट्स के जब सिम्टम्स आप ढूंढ रहे होंगे, तो आपको अपनी मेडिसिन में जो मैच करेंगे वो सिम्टम, वो आपको तुरंत पॉपुलेट हो जाएंगे कि ये सोरिक है या नहीं। एंड सिंथेसिस ऑफ द केस, सिंथेसिस ऑफ द केस में दो चीजें हैं। एक तो कोई भी केस आए तो जो मोर ट्रबलसम सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट कह रहा है कि ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, उन्हीं को ऊपर रखना है। अगर मोर ट्रबलसम सिम्टम जो है सोरिक भी है, क्योंकि हमने सोरिक सर्च दिया है आपको, एक सर्च बटन दिया है कि आप सोरिक सर्च कर सकते हैं, आप में कोई भी सिम्टम ऐसा तो नहीं है जो सोरिक सिम्टम या लेटेंट सोरा के सिम्टम से में है। तो जो अगर ट्रबलसम है और सोरिक भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, और उसी क्रम में आप सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी सिम्टम्स को, अगर 3 नंबर का सिम्टम है बहुत ट्रबलसम है, तो यहाँ पे एक टूल टिप दिया गया है जिससे कि आप उसको ऊपर ले आएंगे और जो लेस ट्रबलसम है उसको नीचे ले आएंगे। एंड जब आप एक सिंथेसिस कर लें ट्रबलसम से लेस ट्रबलसम की तरफ, एंड ये भी देख लें कि इसमें से जो ट्रबलसम सिम्टम्स हैं वो सोरिक भी हैं, तो उनको ज्यादा स्ट्रेस दे करके ऐसी मेडिसिन खोजनी है जो इन सिम्टम्स को, ट्रबलसम सिम्टम को कवर करती हो, साथ साथ जो सोरिक सिम्टम है उन्हें भी कवर करती है, तो आपके केस में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। एंड इसके बाद इन सिम्टम्स के आधार पे जो कीवर्ड्स हैं, जस उन कीवर्ड से हमें रिपर्टराइजेशन करना है, जो जो हैनिमन रिपर्टरी है द क्रॉन डिजीज एंड MMP में जो मेडिसिन हैं, उनमें से देखना है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन हमारे इस पेशेंट्स को कवर करती है एंड कितना कवर करती है, और उसमें से कौन सी हमारे पेशेंट्स को सूट करेंगे। तो आपको अपनी केस स्टडी के हिसाब से वहां के वहीं रिपर्टराइजेशन हो जाएगा, और वहां के उस मेडिसिन को पढ़ना, आपको किताब नहीं पलटनी पड़ेगी, वो नंबर एग्जैक्ट नंबर के साथ बताएगा कि ये नंबर का सिम्टम जो है इस पेशेंट की इस कंप्लेन के साथ इस मेडिसिन से मैच करता है। एंड जो जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं उस पेशेंट के या उसके हिसाब से, उसको आप सेव भी कर सकते हैं कि ये नंबर के सिम्टम्स इस मेडिसिन के सिम्टम हमारे इस पेशेंट के इस सिम्टम से मैच करते हैं, एंड आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं वहां पे। प्रिस्क्रिप्शन का भी बहुत अच्छा टूल टिप बनाया गया है, हम आपको ये पूरा लाइवली कैसे इसे यूज करना है ये हम आगे इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे। एंड इनवॉइस एंड सेल्फ रिसिप्ट भी एक आपको जरूरत होती है, ये ऑटोमेटिकली है आपके पेशेंट का, अगर स्टडी आपने किया है तो जनरेट इनवॉइस में जाकर के आप तुरंत का तुरंत बिल बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में और भी कुछ बातें हैं, फॉलो अप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, एफर्जन 253 एंड 280 हमारे पेशेंट्स, जब भी हम कोई पेशेंट देखते हैं तो ये किसी भी सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टालवर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर हनीमैन ये ऑलरेडी जजमेंट लेने का कि आप सही जा रहे हो या नहीं, ये सिस्टम देखे गए एफर्जन 253 एंड 280। अगर आपके केस में 253 इनिशियल एंड आगे चल के 280 मिलता है, तो इसका मतलब है कि आप उस पेशेंट को बराबर ठीक कर रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आएगा, तो ये 253 एंड 280 के अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके हम उस हर एक सिम्टम्स को चेक करना है। तो वो सिम्टम्स को हमने 4 पार्ट में बांट दिया है कि 1 नंबर का सिम्टम स्लाइटली इंप्रूव्ड है, या मॉडरेटली इंप्रूव्ड है, या फुल्ली इंप्रूव्ड है, या नॉट इंप्रूव्ड है। तो वहां पे आपको बटन दिया गया है 4, उस 4 बटन में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा है। तो जब आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए नॉट इम्प्रूव्ड, नॉट इम्प्रूव्ड सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है कि वो
ऑटोमेटिकली नीचे जब आप उसे कंप्लीट करेंगे, जितने भी यानी 10 सिम्टम्स थे उसमें से कुछ स्लाइट इम्प्रूव थे, कुछ मॉडरेट इम्प्रूव थे, कुछ फुल इम्प्रूव, कुछ नॉट इम्प्रूव थे, तो नॉट इम्प्रूव नीचे आ जाएंगे, फुल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे एंड मॉडरेट इम्प्रूव जो है एंड स्लाइट इम्प्रूव भी नीचे आ जाएंगे। इसके बाद पेशेंट कोई नई कंप्लेंट बताता है तो उसके लिए एक टेस्ट बॉक्स दिया गया, वहीं पे न्यू सिम्टम्स नंबर वाइज जो भी है वो ऐड कर सकते हैं एंड देन उसके हिसाब से एक न्यू डिजिट टोटेलिटी बनेगी। डॉक्टर हैनीमैन हमेशा बोलते थे कि डिजिट टोटेलिटी बनानी है, हम भूल गए, हम ह्यूमन टोटेलिटी बना रहे हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं हम अपने केस में कभी हिट कर पा रहे हैं कभी नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि नॉर्मल ह्यूमन क्या होता है, अब नॉर्मल ह्यूमन क्या है, इवन हम उसकी क्वालिटीज को भी ध्यान में रख करके कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, क्वालिटीज है ना, डिजीज फीचर्स नहीं ध्यान है। अभी कोई साफ सफाई पसंद है तो कोई बुरी बात है क्या? बट अगर आपको उसे कंसिडर भी करना है तो डॉक्टर हैनीमैन करेंगे अल्टर्ड स्टेट कंसिडर करनी है, डिस्पोजिशन कंसिडर करना है, मीन्स अगर वो व्यक्ति बहुत बीमार है और उसके बाद भी फास्टिडियस है तो एक लॉजिक ब्रेन का क्या कहता है कि उस व्यक्ति को इस स्थिति में वो काम नहीं करना चाहिए, एक तो वीकनेस है, बीमार भी बहुत है और उसके बाद भी वो काम कर रहा है, तो दैट टाइम द क्लीनलीनेस एंड फास्टिडियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम इस तरीके से नहीं देख रहे, हमें तो हम अपनी मेडिसिन को जब हमें समझ में नहीं आता, सिम्टम मैच नहीं कर रहे होते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी पे प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, तो ये हमारी एक मुश्किल है। हमारे डॉक्टर कैंट सर ने जो पिक्चर बना दी, इसके बाद बितुलकर सर आए, उन्होंने एक पिक्चर बना दी, अब जो देखो वो एक पिक्चर बना रहा है मेडिसिन की, जिसकी वजह से जो MMP है, जो TCD है, वो कठिन लगने लगी, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ये बहुत पहले से जानते थे कि आने वाले समय में अगर अगर वो चाहते तो वो पिक्चर नहीं लिख सकते थे जिन्होंने प्रूविंग की, पर उन्होंने कभी पिक्चर नहीं लिखी, क्योंकि आपको एक बार दिमाग में सल्फर की पिक्चर बैठ गई और उस तरीके से नहीं मिला पेशेंट तो आपसे छूट जाएगा, इसलिए उन्होंने स्टेट सिम्टम लिखे, एक एक स्टेट के एक एक सिम्टम है, कहीं पे भी उनका इनकम्प्लीटनेस नहीं है, कंप्लीटनेस के साथ उन्होंने सिम्टम्स को प्रेजेंट किया है। तो जो न्यू डिजिट टोटलिटी मिलेगी उस न्यू डिजिट टोटलिटी को फिर से सिंथेसिस ऑफ द केस करेंगे, मोर ट्रबलसम से लेस ट्रबलसम सिम्टम्स की तरह अरेंज करेंगे, फिर रिपर्टराइजेशन करेंगे और रिपर्टराइजेशन को सेव करेंगे, जो मेडिसिन हमें मैच करेंगी, जो मेडिसिन के सिम्टम्स हमारे मैच करेंगे उनको हम सेव कर लेंगे एंड प्रिस्क्रिप्शन इनवॉइस एंड सक्सेसिव सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो पेशेंट्स के लिए हैं, जनरली हमारे पेशेंट्स हमारे डॉक्टर्स की ये दिक्कत रहती है कि कभी बिल कल ले लेना, कभी ये सिर्फ हमने भी झेला है, बट इसमें ये सब सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर आप पेशेंट को क्लिक करेंगे तो सब कुछ इजी है। पेशेंट को भी यहाँ पे ऑनलाइन एक अकाउंट बनाने को दिया जाता है, आप अगर वो आप यहाँ पे आपको रजिस्टर करेगा और रजिस्टर होने के बाद उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वहीं पे ऐड कर सकता है और जिस डॉक्टर को वो दिखा रहा है उस डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली उस बॉक्स में पहुंच जाएंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री और वो देख सकेगा, उस पर जो जरूरी है वो कमेंट कर सकेगा या वहां पे नोट डाउन कर सकेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री भेज सकता है, डिस्चार्ज समरी वहां पे ऐड कर अटैच कर सकता है एंड वो अपने बिल कलेक्ट कर सकता है वहां पे ऑटोमेटिकली, अगर उसने आपके यहाँ दिखाया तो वो बिल इनवॉइस ऑटोमेटिकली वहां जनरेट हो जाएगी, वो वहां पे जब चाहे तब प्रिंट ले सकता है। आपने कभी वो बीमार है अगर उसने अपना कुछ भेजा है कि मुझे इस दिन में मैं बीमार था, मुझे वहां पे सर्टिफिकेट देना है या कोई फिटनेस सर्टिफिकेट कभी उसको जरूरत है तो वहां से ऑन रिक्वेस्ट वो अपने डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट वहीं बैठे बैठे पा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑन रिक्वेस्ट व्हेन इट इज नेसेसरी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेश में रहते हैं या मेडिसिन लेके आपकी जाना चाहते हैं वो, तो वहां पे प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है तो वहां पर आप प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। टू बुक ऑनलाइन एन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज और डॉक्टर, अपने डॉक्टर्स का वो अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकता है उसके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि उसका डॉक्टर कब अवेलेबल है, उसे फोन करने की भी जरूरत नहीं है, अवेलेबल टाइम पे वो ले सकता है एंड डॉक्टर उसे अपॉइंटमेंट के बाद वो कंफर्म कर सकता है। टू सबमिट ऑनलाइन हिज हर कंप्लेंट सिम्टम्स टू द डॉक्टर्स,
अगर उसको कुछ भूल गया, कुछ नया याद आ गया, कुछ नई कंप्लेंट्स आई, तो वहां पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड में जाकर के अपनी कंप्लेंट ऐड कर सकता है, सबमिट कर सकता है, और सबमिट करने के बाद वो डॉक्टर के इनबॉक्स में आ जाएगा, एंड जिससे डॉक्टर डिसीजन ले सकेगा आगे क्या करना है, क्योंकि अलग व्हाट्सएप पे भेजना, इस पे भेजना, फिर वो डॉक्टर वहां पे, ये तो ये डॉक्टर्स का जितना टाइम बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश की गई है। एंड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टू गेट मैसेज सेंड बाय डॉक्टर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट एनी इम्पोर्टेंट नोट थ्रू ईमेल व्हाट्सएप, ये सब चीजें इसमें पेशेंट्स के लिए दी गई है। आगे चल के इसमें एक टेस्टिमोनियल भी ऐड किया जाएगा कि पेशेंट जो है, जो डॉक्टर्स के प्रति उनका जो भी रुझान है, जो रेटिंग देना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर ने हमारी बड़ी मदद की है, वो अच्छा टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, वो वहां का वहीं क्लब हो जाएगा, और अगर डॉक्टर को वो टेस्टिमोनियल पसंद आता है तो वो अपना टेस्टिमोनियल पब्लिश कर सकता है। एंड सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलाइन फीचर्स फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट देखना, रिपर्टरी यूज करना, इसके अलावा अपना प्रोफाइल को मजबूत करना कि आप कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, ये जब तक आप लोग बताओगे नहीं आप क्या कर सकते हो तब तक नहीं पता चलेगा। तो आपको ब्लॉग राइटिंग दिया गया, इसमें आप अच्छे आर्टिकल्स हैनीमैन इन होम्योपैथी या डॉक्टर हैनीमैन की कंसेप्ट पे लिख सकते हो, आम लोगों को एजुकेट अवेयर कर सकते हो, एंड जो केसेस आप निकालते हो, इम्प्रूव करते हो, क्योर करते हो, उन केस स्टडीज को आम पब्लिक के लिए, पेशेंट्स के लिए पब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े आपके प्रति। तो आप अपना प्रोफाइल जितना चाहे उतना मजबूत कर सकते हैं यहाँ पे। एंड सॉल्व केस स्टडी फॉर पब्लिक एंड पेशेंट्स, जो केस आप सॉल्व करते हो तो उससे पता चलता है कि ये डॉक्टर ये केस बड़े अच्छे से सॉल्व कर रहा है, आप एक तरीके से ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होते चले जाते हैं, आपकी स्पेशलिटी दिखने लगती है जब आप जिन केसेस को आप ठीक करते हो, फिर क्योर करते हो, और उन्हें पब्लिश भी करते हो। बट मैं यही कहूंगा कि बिना परमिशन के आप पेशेंट्स के वो केस पब्लिश ना करें। एंड सॉल्व एंड फेल केस स्टडी फॉर द डॉक्टर्स ऑफ वरहम, वरहम के सभी डॉक्टर्स के लिए एक अलग से एक सिस्टम, एक क्लोज ग्रुप तैयार किया गया है यहाँ पे, जहां पे वो अपने सॉल्व केसेस एंड फेल्ड केसेस, आम पब्लिक के लिए तो सिर्फ यही जानना होता है उसे कि क्या क्या ठीक हो सकता है आपके यहाँ, बट डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे से ये अपेक्षा करते हैं कि आप इतने कठिन केसेस कैसे निकालते हो, तो उसकी पूरी केस स्टडी जानना चाहते हैं, आपने कैसे केस लिया, कैसे डिसीजंस लिए, आपने कौन सी रेमेडीज दी, कौन से सिम्टम्स को ध्यान में रखकर के रेमेडीज दी, तो विद व्हाट व्हाई व्हेन वेयर एंड हाउ, इन चीजों के आधार पे आपको यहाँ पे अपने इंटरनल ग्रुप के लिए केस आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपस में लर्निंग बढ़े। तो यहाँ पे टू लर्न एंड रिसर्च ऑन दी केसेस, लॉग इन इज कंपल्सरी, इट इज ए क्लोज ग्रुप ऑफ वर होम प्रैक्टिशनर्स, ये उन्हीं के लिए है जो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। वीडियो लिंकिंग फॉर यूट्यूब चैनल, जो जिन केसेस को आप इम्प्रूव करते हैं या कोई अच्छा आर्टिकल्स दे या कोई अच्छा आपका रिकॉर्डिंग है, तो आप उसका लिंक यहाँ पे अपने प्रोफाइल में, जब आप कोई आर्टिकल्स लिखते हो, जब कोई केस बनाते हो, तो उसका जो यूट्यूब लिंकिंग बनाते हो वो वहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, जिससे कि वो व्यक्ति जैसे ही आपका कोई चीज देखना चाहता है आपके प्रोफाइल में, आप क्या क्या कर रहे हो, किस तरीके का वर्क कर रहे हो, तो वो आपके यूट्यूब चैनल की तरफ आपको लेके जाएगा। एंड डॉक्टर्स प्रोफाइल क्रिएशन, यहाँ पे आप अपनी स्पेशलिटी, झूठी स्पेशलिटीज नहीं, जो सच में आप करते हो, आपकी जो स्पेशलिटीज हैं और जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आप कर सकते हो, उन्हें आप शो कर सकते हो, आपने क्रिएट कर सकते हो। एंड क्लिनिक प्रोफाइल क्रिएशन, आपके क्लिनिक में कौन सी सर्विसेज हैं एंड क्या फैसिलिटीज हैं, वो भी यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्जन की क्या फीचर्स होंगी, वर्क इन प्रोग्रेस है, जब आप वहां रिपर्टरी यूज करेंगे तो कोई सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स पे आगे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, इसका मतलब अभी वो ढूंढना जाना जाने वाला है कि हैनीमैन सर के कौन से सिम्टम से, सॉरी सिम्टम से वो मैच करता है। जो टोटल 493 सिम्टम्स है उनका वर्क चल रहा है,
वो वर्क इन प्रोग्रेस जहां भी मिलेगा आपको, वहां पे अभी काम बाकी है। तो ये नेक्स्ट वर्जन में 493 जो लिस्टिंग की थी डॉक्टर हनीमैन ने, वो सारे के सारे सिम्टम्स को कौन सी मेडिसिन में कौन से नंबर पे किस सॉरी सिम्टम से मैच करते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाद में वो अदर रिपर्टरी जो हम लाएंगे एमएमपी टीसीडी के बाद, हायरिंग्स के जो गाइडिंग सिम्टम एंड होम्योपैथी कमर्शियल फिजिशियन है, उनमें भी ये चीज ऐड कर दी जाएगी। एंड डॉक्टर टी एफ एलेंस की प्राइमर ऑफ मैट्रीमेटिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मैट्रीमेटिका एंड हैंडबुक ऑफ मैट्रीमेटिका, इन सब में ये प्रूविंग के आधार पर बनाई गई है, इन्होंने प्रूविंग की है और उसके बाद ये मेडिसिन लिखी है, कुछ नई मेडिसिन मिल जाती है। रेफरेंस बुक्स आने वाली हैं, ये फीचर्स भी अभी काम चल रहा है इस पर, एंड रेफरेंस बुक विद एनोटेशन। और ये रेफरेंस बुक हमारे हमें बिल्कुल भी कंपाइलेशन का बिल्कुल शौक नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जो हनीमैन सर ने लिखा है उसको ही हम ठीक से समझ लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो रेफरेंस बुक जो हनीमैन सर की हैं उन सबको ईजी वे में हमारे एनोटेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें रख करके कमेंट करके आपको ये बुक्स मिल जाएंगी और उनके सेक्शन वाइज कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, एफोरिज्म वाइज भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको। यानी एक तरीके का एक ऐसा डिक्शनरी जो आपको उस बुक को पढ़ने में मदद करेगा, हनीमैन क्या कहना चाहते हैं उसको समझाने के लिए ये रेफरेंस बुक्स क्रिएट की जा रही हैं। ये अंडर प्रोसेस है, इनके मीनिंग कीवर्ड्स के, इनके यूज और इनके एग्जांपल्स विद इमेज और वीडियो, ये भी आपको काम चल रहा है। सिक्स्थ एंड फिफ्थ एडिशन में ऑर्गेनन का कंपैरिजन एंड एक्चुअल में डॉक्टर हनीमैन की फाइनल रिकमेंडेशन जो सिक्स्थ एडिशन में थी उनको अपने आप में कैसे कहाँ कहाँ है पूरा सिस्टम वाइज, जैसा हम वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग में सिखाते हैं उस तरीके से ये पूरा कलमबद्ध किया जा रहा है। एंड मैट्रीमेटिका प्योरा द क्रॉनिक डिजीज लेसर राइटिंग्स बायोग्राफी विद ऑल द केसेस ऑफ डॉक्टर हनीमैन, ये सारी की सारी रेफरेंसेज बुक जल्दी ही आपको एक एक करके देखने को मिलेंगी। अदर रेफरेंस बुक्स भी पे भी हमारा काम होगा इसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन में होगा, वुड बी एडेड लाइक डॉक्टर हैरिंग डॉक्टर टी एफ एलन वुड बी एडेड ओनली प्रूव्ड डेटा, यानी जो प्रूव्ड डेटा है जो रिलायबल डेटा है जो ऑनेस्ट फिजिशियन का डेटा रहा है उन 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 डेटा को यहाँ पे रखा जाएगा। अदर अपकमिंग रिपर्टरी में एक्सक्लूडिंग नो जोड्स जितनी भी रिपर्टरीज हैं जो हम नई रिपर्टरीज ऐड करेंगे उसमें अगर उन्होंने नोजोड्स यूज किए हैं तो हम उन नोजोड्स मेडिसिन को जगह नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर हनीमैन की कंसेप्ट से वो मैच नहीं करते हैं। डॉक्टर हैरिंग्स की ये होम्योपैथी डर्मेटिक फिजिशियन गाइडिंग सिम्टम जो बुक हैं उनको हम रिपर्टरी के रूप में यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एंड डॉक्टर टी एफ एलेंस जो प्राइमर ऑफ मैट्रीमेटिका एंड ये जो तीनों बुक्स हैं उनको भी हम यहाँ पे रिपर्टरी के रूप में जगह दे रहे हैं जिससे कि आपका काम आसान हो सके। एंड लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हम कहेंगे ये आगे है कि गाइडलाइंस रूल्स एंड लॉज प्रिंसिपल टू क्योर किस डिजीज को किस कंडीशन को किस स्टेट को किस डिजीज टोटेलिटी को ध्यान में, जैसे स्किन डिजीजेस को हम ट्रील कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फीवर से इंटरमिटेंट डिजीज डील कर रहे हैं, डेंगू डील कर रहे हैं, मलेरिया डील कर रहे हैं, तो डॉक्टर हनीमैन की गाइडलाइंस क्या है, बर्न डील कर रहे हैं तो डॉक्टर हनीमैन की गाइडलाइंस क्या है, ये टूल टिप आपको आगे चल के जनरेट होगा नेक्स्ट वर्जन में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिजीज स्टेट के इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर हनीमैन सर ने जो एकदम एग्जैक्ट एंड क्लियर जो रिकमेंडेशन दी हैं उनके एविडेंस और प्रूफ के रूप में ये जल्दी ही ये मिलेगा आपको कि सपोज दैट अगर हम कैंसर डील कर रहे हैं तो कैंसर को कहाँ पे रखा है डॉक्टर हनीमैन ने और फिर इसको कैसे डील करना है। तो इस तरीके की जो स्टेट वाइज डिजीज स्टेट वाइज जो गाइडलाइंस हैं वो आपको टूल टिप पे मिल जाएंगी और ये आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का क्या महत्व होता है, अलग अलग कंडीशंस में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके आता पेशेंट उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में वो यूज करने लायक होती भी है या नहीं, ये सब आपको इस सिस्टम में आपको वर्म सिस्टम में समझेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको ज्वाइन करने के लिए होम्योपैथी प्रैक्टिस या लर्निंग वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग
इसको ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल सा ये लिंक है, इस लिंक से आप हमें हमारे पास आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है वर्क होम का, इसके बाद हम सेकंड जो वीडियो है इस पीएमएस को कैसे प्रैक्टिकली कैसे चलाना है, कैसे केस आया, कैसे हमने उस केस की डायग्नोसिस की, होम विद डायग्नोसिस, कैसे हमने उस केस की सिंथेसिस की, कैसे हमने उस केस में रिपर्टराइजेशन किया, किस तरीके से हमने रिपर्टराइजेशन के बाद फाइनल मेडिसिन सेलेक्ट की, किस तरीके से अदर मेडिसिन पॉसिबल हो सकती हैं तो उनको भी ध्यान में रखा, एंड फाइनली हमने प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्रिप्शन के बाद हमारा फॉलोअप कैसे लेना है, फॉलोअप के बाद आगे की डिसीजंस कैसे जाएंगे, परमानेंट क्योर की जो कंसेप्ट है वो कैसे अचीव होगी, ये सब चीज़ें आप इस एक सिंगल वर्क होम प्लेटफॉर्म पे आराम से कर सकते हैं विद अदर मेनी फीचर्स। इवन आपके लिए एक फीडबैक बटन दिया जा रहा है, जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के बाद एक फीडबैक बटन दिया जाएगा, इसको और अच्छा और आसान और काम का बनाने के लिए आप अच्छे से फीडबैक दे सकते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन का आने वाला समय डॉक्टर हैनीमैन मेथड का ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता क्योंकि सच बहुत दिन तक छुपा रहा, अब इसे और छुपाए जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उजागर हो चुका है, अब इसकी रोशनी हर एक होमपैथ के पास पहुंचनी चाहिए। जो क्राइसिस में है उनसे क्राइसिस से बाहर आना है, और इसमें बहुत सारे बाहर आ भी चुके हैं जो वर्जिन होमपैथी साइंटिफिक कोचिंग किए हैं, जो सफ़र कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस में, जो सफल नहीं हो रहे थे। इवन एक प्रॉब्लम हमारी तरफ से भी थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि हमने पूरा सिस्टम तो सिखाया था पर एग्जैक्ट और परफेक्ट सिमिलियम की जो समस्या है वो हम भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। एक्चुअली में डॉक्टर हैनी मैंने एग्जैक्ट परफेक्ट सिमिलियम की कहीं बात ही नहीं की, ये सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर हैनी मैन हमेशा स्टेट सिमिलियम एंड सुटेबल मेडिसिन की बात करते आए। डॉक्टर हैनी मैन ने क्योर कम समय में कैसे करनी है इस पे बात की है उन्होंने, बट हम इससे भटक चुके हैं। बट इस सिस्टम में आने के बाद ये भटकाव नहीं है, और इस सिस्टम को का इंटेंशनली इसी तरीके से बनाया गया है कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स इस सिस्टम पे दिखें, दुनिया के बेस्ट लर्न डॉक्टर इस सिस्टम पे हों, सबसे एजुकेटेड डॉक्टर्स इस सिस्टम में। आने वाले समय में यहाँ के डॉक्टर्स अगर किसी डिजीज पे कमेंट करते हैं तो उन डेफिनेटली कुछ हो सकता है, वो कह रहे हैं तो कुछ तो बात है, ऐसा विश्वास लोगों में डेवलप हो, इसी आशा के साथ ये वर्क होम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। वर्क होम सिर्फ एक एकेडमिक वर्ड है, या इस कह सकते हैं कि ये ब्रांड वर्ड है, और इससे इसका लेना देना कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशनलिज्म को कोई एक नाम देने के लिए ये यूज किया गया है। बट वर होम यानी वर्जिन होमपैथी कुछ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर हैनीमैन ओरिजिनल मेथड है जिसपे हमारे दुनिया के सभी डॉक्टर्स आने वाले समय में आ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन को तो कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता, डॉक्टर हैनीमैन की टीचिंग्स को कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग उन्होंने जो समझा है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, उनका दोष भी नहीं है, उस जमाने में इतने जब उन्होंने पढ़ा था तब इतनी डिक्शनरीज, इतना गूगल, इतना लिटरेचर, विकिपीडिया, ये सब नहीं था, तो उन्होंने कुछ अंदाज लगा के पढ़ा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही कर ली, उन्होंने कभी कभी क्रॉस रेफरेंस नहीं किया, कभी उन्होंने हैनीमैन के लिटरेचर से कंपेरिजन नहीं किया, इस वजह से उनके साथ ये हो गया, उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये मुझे भी समझता है। बट डॉक्टर हैनीमैन ने जैसे इलेक्ट्रिक डायथर्मी के लिए या हॉट एप्लीकेशन के लिए खासतौर पे पैरालिसिस पार्ट पे पहले अप्लाई करने को कहा था, फिर बाद में उन्हें ये बात समझ में आई कि ये रॉन्ग रिकमेंडेशंस हो गई, और उन्होंने बाय हर्ट उन्होंने वो चीज़ वापस ले ली कि ये गलती हो गई मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने बाद में उस गलती को सुधार लिया। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अगर किसी को ये समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी के
क्यों दुश्मनी होगी अपने परिवार के भाइयों से? किसी के लिए दुश्मनी नहीं है, किसी ना सीनियर से, ना किसी जूनियर से, ना किसी स्टॉलवर्ट से, किसी से भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हनीमैन सर क्या के गए हैं उसे समझ लिया जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ करके डिस्कस कर लिया जाए किसी भी तरीके से, किसी ये चीजें जो हमें नहीं पता है या हम अनजाने में ये चीज रॉन्गली स्प्रेड कर रहे हैं। कभी कभी हम ग्रीड बस, लालच बस हमारा सिस्टम आगे बढ़े इस वजह से करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल गलत हैं, बट क्या है कि आपने फुल्ली एंड कम्प्लीटली नहीं समझा है। और ये भी हो सकता है कि मैंने भी कहीं चूक कर दी हो, तो हम सबके बैठने का समय है, डिस्कस का समय है। हम अपने फादर होमोपैथी ने जो हमें विरासत दी है, जो एक डेफिनेट साइंस देखे गए हैं, 200 साल हो गए, किसी ने भी उसमें ऐड एंड डिलीट नहीं कर पाया है ना, किसी ने भी ये नहीं कह पाया कि इसमें से ये डॉक्टर हनीमैन सर गलत करके गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम पहले उन्हें समझ तो लें। क्या उन्होंने कोई चीज पे काम छोड़ा था क्या जिसमें हमें काम करना बाकी है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आकर के हमारे क्लिनिक में देखते हैं, हम डॉक्टर हनीमैन की मेडिसिन से मैक्सिमम करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं और जाने की उतने से, क्योंकि सिस्टम ना समझने की वजह से ये समस्या है कि मेडिसिन की संख्या तो बढ़ गई बट फिर भी हम अपने पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पा रहे। क्यों? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है, और ये दावे के साथ कहता हूं कि 1.5-2 साल में ये हमने बहुत सारे जगह ये प्रूव किया है। और हम किसी भी हमारे स्टूडेंट्स की फेलियर हम ये मानते हैं कि हमारी फेलियर है, हमें और पढ़ने की और अच्छे से समझाने की जरूरत है, उनकी प्रोफेशनलिज्म को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। डॉक्टर हनीमैन को समझने के लिए मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट या वाइज होना आवश्यक नहीं है, बहुत अच्छी अंग्रेजी होना ये आवश्यक नहीं है, चतुर रामलिंगम, थ्री इडियट की तरह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर हनीमैन को समझना है तो डेफिनेटली आपको ऑनेस्ट होने की जरूरत है, कंसाइंटियस होने की जरूरत है, डिलीजेंट होने की जरूरत है। ये अगर आपके पास है कंसाइंटियस एंड डिलीजेंस, तो मुझे नहीं लगता है कि आप हनीमैन सर को नहीं समझ सकते। बिल्कुल समझ सकते हैं। हनीमैन सर कठिन इसलिए हो गए क्योंकि हमने उन्हें कभी पलटा नहीं, कभी उन बुक्स को कभी ध्यान नहीं दिया, कभी हमने कनेक्शन करके पढ़ा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से लाभ होगा। सभी जो डॉक्टर्स वर्जन होमोपैथी साइंटिफिक कोचिंग के जो वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ है, अब ये वो लोग इसे यूज कर सकेंगे एंड इसे और बेहतर बनाने में मदद भी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।